शुक्रवार को गायत्री मंत्र के पाठ से प्रसन्न होती हैं देवी। आज है शुक्रवार है, यानी आज का दिन देवी की पूजा के लिए सर्वोत्तम है। ऐसे में यदि देवी को गायत्री मंत्र के जाप से प्रसन्न किया जाए तो आपको कई कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। यदि आप काल सर्प दोष, पितृ दोष और शनि की दशाओं से पीड़ित हैं तो इस मंत्र से सभी दोषों से मुक्ति का उपाय मिल जाएगा। यदि किसी की जन्म पत्रिका में काल सर्प पितृ दोष एवं राहु केतु तथा शनि से पीड़ा है उसे शिव ही शांत कर सकते हैं। भगवान शिव सृष्टि के संहार करता है। भगवान रुद्र साक्षात महाकाल है। सृष्टि के अंत का कार्य इन्हीं के हाथों है। सारे देव दानव मानव किन्नर शिव की आराधना करते हैं। मानव के जीवन में आने वाले कष्ट किसी न किसी पाप ग्रह के कारण होते हैं। भगवान शिव को सरल तरीके से मनाया जा सकता है। शिव को मोहने वाली अर्थात उनको प्रसन्न करने वाली होती है माता शक्ति, जिनका प्रिय है गायत्री मंत्र। तो यदि आप आज गायत्री मंत्र के साथ शिव को पूजेंगे तो इन सभी दोषों का निदान होना संभव है। गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहे तनो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने का कोई विशेष विधि विधान नहीं है। शुक्रवार को माता शक्ति और शिव जी के सामने घी का दीपक लगाएं। जब भी इस मंत्र का पाठ करें एकाग्रचित होकर करें। पितृ दोष एवं काल सर्प दोष वाले व्यक्ति को इसका जाप करना ही चाहिए, लेकिन सामान्य व्यक्ति भी इसे पढ़े तो भविष्य में कष्ट से मुक्त रहेंगे। इसके जाप से मानसिक शांति, यश, समृद्धि, कीर्ति प्राप्त होती है।